अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, आई एम अजीज़ुर रहमान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल कॉर्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक राइटिंग। व्हाट इज साइंटिफिक राइटिंग, तो चलो शुरू करते हैं। साइंटिफिक राइटिंग वो डॉक्यूमेंटेड पेन होते हैं जिसमें हम किसी चीज़ की अप्रूवल या उसकी सिग्निफिकेशन को उसकी डिस्क्राइब कर देते हैं। तो इसी काम को हम डिस्क्राइब करेंगे साइंटिफिकली एकेडमिकली, इट्स कॉल्ड साइंटिफिक राइटिंग। तो इसके फिर कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स भी हैं। हम यहाँ पर तीन चार डिस्कस करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले है रिसर्च प्रपोजल, रिव्यू आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल और मेटा एनालिसिस। तो चलो शुरू करते हैं रिसर्च प्रपोजल से। रिसर्च प्रपोजल क्या है? रिसर्च प्रपोजल इज अ डॉक्यूमेंटेड दैट डिस्क्राइब अ प्लान फॉर रिसर्च स्टडी। इट इज ऑफन सबमिटेड बाई रिसर्चर एकेडमिक साइंटिस्ट हु आर फाइनेंशियली अप्रूवल फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट। रिसर्च प्रपोजल जो है ना, आपका एक प्लान होता है जिसमें आप एक्सप्लेन कर लेते हैं कि मेरा ये काम है, मैं इस काम को इस तरह करूँगा और हमारा जो मकसद है ये है। तो ये प्रपोजल एक प्लान होता है, यानी आप क्या करेंगे और क्या मसला है और क्या काम करेंगे आप इसके ऊपर। तो इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और इसका प्रॉपर स्टेटमेंट होती है, स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें स्ट्रक्चर में उसके लिटरेचर रिव्यू आती है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये है कि इस प्रॉब्लम का जो अदर स्टडी है, इसके साथ रिलेटेड स्टडी है, वो क्या कह रही है, ठीक है। इसके अलावा मेथडोलॉजीज, यानी आप इस प्रॉब्लम को किस तरह हल करेंगे, और इसके अलावा हम उस प्रोसेस किस तरह के, आपका टाइम फ्रेम कितना होगा, मतलब आप कितने टाइम में करेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, हर एक स्टडी की एक टाइम फ्रेम होती है, ठीक है। इसके अलावा बजट कितना रिक्वायर होगा इसके लिए, मतलब वो खर्चा कितना आएगा, और उसके पॉसिबल जो आउटकम है, ठीक है ना, आपके जो प्लान है उसकी जो पॉसिबल रिजल्ट है, आउटकम है, वो क्या होंगे, आप किस तरह इस चीज़ को क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस काम से। तो ये रिसर्च प्रपोजल जो है ना, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट फॉर्म होती है जो हम किसी बजट किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए हम लिखते हैं, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल इज अ कन्वीनियंस दैट टारगेट ऑडियंस सच एज फंडिंग एजेंसी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन दैट प्रपोज स्टडी एंड सिग्निफिकेशन प्रैक्टिकल वर्क या सपोर्ट। तो एकेडमिकली आप किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए, या किसी ऑडियंस या एजेंसी के एजेंसी से कोई प्रोजेक्ट अप्रूव करने के लिए आप जो है ना एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च प्रपोजल। दूसरा है रिव्यू आर्टिकल। रिव्यू आर्टिकल क्या है? रिव्यू आर्टिकल जो है ना, हमें करंट स्टेट ऑफ रिसर्च ऑन अ सेंट्रल इशू, आजकल जिस चीज़ पर रिसर्च हो रहा है, जो ट्रेंड्स चल रही हैं आजकल रिसर्च की, तो एक इशू के ऊपर कितना काम हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड रिव्यू आर्टिकल। यानी आप कुछ नहीं करें, आप जस्ट एक काम को रिव्यू करते हैं कि इस काम, इस प्रॉब्लम के ऊपर इतना काम हुआ है, ठीक है ना। आप आइडेंटिफाई करते हो कि यार ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के ऊपर इतना काम हुआ है अब तक। तो एक प्रॉब्लम की सेंटर स्टेट ऑफ इशू, यानी सेंटर इशू जो है ना, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ कितना काम हुआ है और कितना रह गया, कितना होने चाहिए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रिव्यू आर्टिकल। तो रिव्यू आर्टिकल में हम पिछला काम को हम डिस्क्राइब करते हैं, उसके इम्पोर्टेंट रिजल्ट एंड कंक्लूजन फ्रॉम वैरायटी ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। यानी आप जो है ना कंक्लूजन ड्रा करते हैं कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस होगी, क्या ज़रूरत होगी। फॉर रिकमेंडेशन एंड रिसर्चर हु वांट टू कीप करंट ऑन द मोस्ट रिसेंट एडवांसमेंट इन अ गिवन सब्जेक्ट, रिव्यू पेपर आर हेल्पफुल। तो रिव्यू पेपर जो है ना, मेनली हमें यह फ़ायदा देते हैं कि आप किसी चीज़ पर रिसर्च करेंगे तो रिसर्च की कहाँ मसले में कहाँ पर कहाँ हद तक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप मेनली उस चीज़ को रिव्यू कर रहे थे और अपने ओपिनियन देते हैं कि यार ये मसला इतना हो है और इसके आगे काम होना चाहिए। फिर आते हैं रिसर्च आर्टिकल। रिसर्च आर्टिकल में जो हम न्यू नॉलेज को जनरेट करते हैं, आप जो है ना एक काम करते हैं प्रॉपर प्लान के साथ, उसके साथ डेटा कलेक्शन करते हो, उसके इंटरप्रिटेशन करते हो, आप उसकी प्रॉब्लम की एक पॉसिबल सोल्यूशन देते हो, दैट इज कॉल्ड रिसर्च आर्टिकल। तो रिसर्च आर्टिकल या पेपर जो है ना, वो ओरिजिनल रिसर्च होती है, ठीक है, जिसमें हम फाइंड करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसकी भी एक प्रॉपर बॉडी होती है जिसमें हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, मेथडोलॉजीज हमारी क्या होगी, और मेथडोलॉजीज के बाद हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो क्या होंगे, और हम रिजल्ट अपने रिजल्ट को फिर डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ जो है ना हमने फाइंड की है न्यू। तो इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि रिसर्च आर्टिकल की आप जो है ना न्यू नॉलेज को जनरेट करते हैं, एक प्रॉब्लम के आंसर दे देते हैं, ठीक है। आखिर में आता है मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस जो है ना, वो रिसर्च टाइप के जिसमें हम कंबाइन रिजल्ट ऑफ मल्टीपल स्टडीज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, यानी एक
प्रॉब्लम है, एक टॉपिक है, इसके ऊपर पिछला जितना भी काम हुआ, जितने भी रिसर्च पेपर हुए, 100, 200, 300, जितने भी काम हुए, आप उस सब काम की जो रिजल्ट्स है वो आप निकाल लेते हो, उसकी आप एनालिसिस करते हो और प्रॉब्लम का पॉसिबल आंसर देते हो कि यार ये या प्रॉब्लम जो है ना इस पर इतना काम हुआ है। तो दैट इज कॉल्ड मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस जो है ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टडीज होती हैं। इसमें टाइम भी ज़्यादा लगते हैं, इसमें स्टडी भी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि आप जिस प्रॉब्लम के ऊपर एनालिसिस करेंगे तो जितनी भी पिछले जितनी भी स्टडीज़ होंगी तो आप जो है ना वो आइडेंटिफाई करेंगे, और उसकी रिजल्ट के बेस पर आप जो है ना एनालिसिस करें कि ये सब जो कह रहे हैं इनका जो एक कम्प्रहेंसिव जो है ना एक शॉर्ट आंसर ये है। तो ठीक है, मेटा एनालिसिस में हम यही आइडेंटिफाई करते हैं कि पैटर्न आइडेंटिफाई पैटर्न एंड ट्रेंड दैट माइट नॉट बी अपेयर इन इंडिविजुअल स्टडी। यानी हर एक स्टडी में जो है ना एक ट्रेंड जो है ना हमें पता नहीं होता कि आजकल इस प्रॉब्लम में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो मेटा एनालिसिस हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आखिर में आते हैं कि हाउ टू फाइंड दिस आर्टिकल, कहाँ से हमें फाइंड करेंगे कि सच आर्टिकल कहाँ है, रिव्यू आर्टिकल कहाँ पढ़ें, मेटा एनालिसिस कहाँ पढ़ें। तो इंशाल्लाह हम कंप्लीट डिटेल के साथ एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।